दोस्तों यार मैंने देखा शेर, कुफरी के जंगलों में शेर देखा है मैंने जस्ट अभी उधर, ठीक है, और मैं डर गया हूँ बहुत, मैं आ गया हूँ। अब मैं दिखाऊंगा देखो शेर के कुछ लाइव एविडेंसेस आपको। तो यार गाड़ी अपनी प्रॉब्लम कर रही थी, मैंने बताया था आपको, कूलेंट वगैरह यार लीक हो रहा था। तो एक्चुअली एक ऑयल वाशर के, ऑयल वाशर होता है नीचे, ठीक है, सो ऑयल फैन के पास में से ना थोड़ा सा वो एक नट होता है, नट बोल्ट, वो थोड़ा ढीला हो गया था, तो जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम आ रही थी। बट अभी सब ओके है, ठीक करा लिया है। एंड होपफुली अगर ये ठीक नहीं होता, कोई बड़ी प्रॉब्लम होती थी यार, वापस लौटना पड़ता दिल्ली के अंदर, क्योंकि यहाँ BMW का काम नहीं होता, तो फिर किसी BMW के ऑथराइज शोरूम में या जो भी, यार दिल्ली में तो बहुत सारे मिल जाते हैं, बट यहाँ नहीं होता। सो अभी लेकिन हम जा रहे हैं, वी आर मैम हेडिंग टुवर्ड्स द कुफरी, कुफरी की तरफ मैं अभी निकल रहा हूँ। सो देखते हैं कुफरी में, इंडिया का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं उसको, है ना। सो क्या है कुफरी के अंदर, बाकी बर्फ मैंने आज तक कभी देखी नहीं है, फ्रिज वाली बर्फ अलग है। कल मैं ऐसे ही बोल रहा था घर पे कि मैं बर्फ देख के आऊँगा, मम्मी बोल रही थी कि ऐसी बीमारी के टाइम पे क्यों गया घर से, तो मैं बोला मैं बर्फ देख के आऊँगा, तो मेरी बहन बोलती है कि बर्फ उन्हें फ्रिज में ही देख लेता, बर्फ देखने के लिए इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है। बट वो बर्फ अलग है यार, ये अलग वाली बर्फ है जो देख के आनी है। दोस्तों यार मैंने देखा शेर, कुफरी के जंगलों में शेर देखा है मैंने जस्ट अभी उधर, ठीक है, और मैं डर गया हूँ बहुत, मैं आ गया हूँ। अब मैं दिखाऊंगा देखो शेर के कुछ लाइव एविडेंसेस आपको, ठीक है, थोड़ा सा छुप जाता हूँ मैं। शेर देखा है मैंने, लाइव शेर देखा है दोस्तों मैंने। अभी मैं आपको ना कुछ लाइव एविडेंस दिखाऊंगा शेर के, कहाँ पर मैंने देखा, देखो उधर, ठीक है, वहाँ पर वो देख रहे हो आप, बिल्कुल उसके पीछे मैंने शेर देखा। और आप कहोगे सर झूठ मत बोलो शेर, देखो मैं शेर के आपको ना कुछ ट्रेसेस दिखाऊंगा। देखो ये शेर की पॉटी दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है, दिख रही है आपको, ये देखो ये शेर की है, है ना। कल रात में उसने हिरण खाया था, तो हिरण के बाल भी हैं इसमें। सो गाइज वहाँ पर था शेर, अभी जस्ट मैंने देखा। चलो शेर को छोड़ते हैं, थोड़ा वेजिटेशन देख लो आप, बताओ ये मुझे कैसे फॉरेस्ट है। सो देखो कुफरी जो है, ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो कुफरी की हाइट क्या है बताओ जल्दी से फटाफट, जो बताएगा इनाम दूंगा उसको। और इनाम में आपको पता है क्या मिलेगा, आपको इनाम में मिलेगा आईफोन 12 प्रो का एक फ़ोटो, एक झलक मैं आपको आईफोन 12 की दिखाऊंगा, है कि नहीं। सो गाइज ये जो फॉरेस्ट है हमारे, ठीक है, दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज द टेम्परेट फॉरेस्ट, है ना, टेम्परेट फॉरेस्ट है। देख रहे हो कितना बड़ा पेड़ है यार, एकदम सॉलिड ऊपर तक देखो, ठीक है, टेम्परेट फॉरेस्ट हम इनको बोलते हैं। टेम्परेट क्यों बोलते हैं बेसिकली दोस्तों, ये हाइट के ऊपर है, वेस्टर्न हिमालयाज के अंदर हम हैं अभी, ठीक है, जो शिमला है, कुफरी, हिमाचल प्रदेश, इट्स अ पार्ट ऑफ द वेस्टर्न हिमालय। सो वेस्टर्न हिमालय के अंडर में आता है ये सारा का सारा पार्ट। और इसका ऑल्टीट्यूड अगर मैं बात करूँ आपसे, सो 2800 से लेकर 3000 मीटर के आसपास का इसका ऑल्टीट्यूड है। और जनरली इस ऑल्टीट्यूड के ऊपर जो आपके फॉरेस्ट पाए जाते हैं, दे आर द टेम्परेट फॉरेस्ट। अच्छा टेम्परेट फॉरेस्ट है तो इसमें कौन कौन सी वैरायटी मिलेगी अगर मैं बोलूँ वैरायटी वाइज, सो वैरायटी वाइज यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो वैरायटी यहाँ पर मिलेगी फर, स्प्रूस, चीड, देवदार, लाइक इस तरीके के यहाँ पर जो टेम्परेट फॉरेस्ट, टेम्परेट ट्री हैं, वो सारे के सारे ट्री यहाँ पर आपको मिलेंगे। आप देख सकते हो दीज ऑल ट्रीज आर प्रेजेंट इन द प्योर स्ट्रैंड। जो टेम्परेट फॉरेस्ट की खासियत होती है क्या होती है दोस्तों, जितने भी पेड़ हैं वो सब टेम्परेट फॉरेस्ट में प्योर स्ट्रैंड में है। प्योर स्ट्रैंड का मतलब क्या होता है कि आप इनको कमर्शियली इनको क्या कर सकते हो, लूम्बरिंग एक्टिविटी यहाँ पे कर सकते हो। देख रहे हो आप सारा पेड़ एक ही है, है ना, सब एक ही वैरायटी के पेड़ है, सब एक वैरायटी के पेड़ है। और यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ कुछ जगह पर लूम्बरिंग हो भी रखी है, हार्डवुड है, लकड़ी काफ़ी मजबूत है, सीधी है, देख सकते हो आप, कमर्शियल वायबिलिटी बहुत ज़्यादा है इसकी दोस्तों। कमर्शियली ये जो पेड़ होगा ये एक नंबर का पेड़ है दोस्तों, धांसू, एक नंबर जहर पेड़ है। इधर हम देखें सारा का सारा, देखो आप प्योर स्ट्रैंड के अंदर में, और हाई ट्री कैनोपी सबकी हाई है। अगर हम देखेंगे तो डेंस अंडरग्रोथ नहीं है, बिल्कुल टॉप में है पेड़, स्ट्रेट जाता है, ब्रांचेस जो हैं वो बहुत कम है यहाँ पर। और ये कुछ वो पार्ट है दोस्तों, आप देख रहे हो कहीं कहीं पे हमें बर्फ़ देखने को मिल रही है, तो दिस इज़ द बेसिकली दैट पार्ट जहाँ पर आपका क्या होता है कि जो सन के सामने नहीं होता ना, तो उस इलाके में यहाँ पर क्या रहती है, उस इलाके में यहाँ पर आपको बर्फ़ जो है वो देखने को मिलती है ना। तो अभी अभी हम बात कर रहे हैं दोस्तों शेर की, मैं छुप जाता हूँ उधर दोस्तों पीछे, उस पेड़ के पीछे जस्ट वहाँ पे, वहाँ मैंने शेर देखा, और शेर ने मुझे देखा, मैंने शेर को देखा, मैं शेर से डरा, शेर मेरे से डरा, फिर आखिरी मैंने सोचा कि ज़्यादा शेर को नहीं डराना चाहिए, क्योंकि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि एनवायरनमेंट का मैं टीचर हूँ भाई, एनवायरनमेंट आपको पढ़ाता हूँ, और एनवायरनमेंट प्रेमी भी हूँ मैं,
तो मैंने सोचा क्यों शेर को डराया, मैं वहाँ से निकल दिया। मैं कहा चल ठीक है ले मौज ले। मैं जैसे ही चला तो वो आया पीछे से, एक सेल्फी तो दे दे। मैं कहा भाई सेल्फी वेल्फी रहने दे, फिर मैं भाग लिया। तो अभी वो है उधर दोस्तों, है ना। और शेर के मैं एविडेंसेस आपको दिखा चुका हूँ, यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, ये शेर का ही जो है मल त्याग है जिसको हम बोल सकते हैं। सो कल रात में ही उसने एक हिरण को खाया था। सो दोस्तों आगे चलते हैं शेर को ढूंढने। आज एक शेर को दूसरे शेर से मिलाता हूँ मैं आपको। अबे भाई साहब कतई जहर मामला हो रखा है, यहाँ से हम रिपट भी सकते हैं, नीचे भी गिर सकते हैं। आप देख सकते हो पूरी खाई है यार नीचे, समझ रहे हो, पूरी खाई है। ये देखो यहाँ पर भी हैं दोस्तों पगमार्क, लेकिन ये इंसान के लग रहे हैं मुझे, इंसान कहो या भूत। देख रहे हो आप इधर भी हैं, कुछ तो ज़रूर है यहाँ पे। ढूंढना चाहूँगा मैं क्या है वो कुछ। चलते हैं दोस्तों नीचे, काफ़ी टाइम हो गया यार ऊपर, और एक्चुअली ठंड काफ़ी लग रही है मुझे। सो अभी चलते हैं नीचे, काफ़ी मज़ा कर लिया आज हमने यहाँ पे, मतलब बिल्कुल शांत में कोई नहीं था, मतलब अकेले में यहाँ काफ़ी अच्छा लगा, सुकून है। कुछ लोग हैं उधर ऊपर, बाकी अब चलते हैं नीचे। सो आइए जल्दी फटाफट।